सबसे पहले आपने दो वेरिएबल्स बनाने हैं, एक वेरिएबल आपने आई बनाया, दूसरा वेरिएबल आपने के बनाया। मैं जरा आपको इतना बता दूं, जो आई का वेरिएबल है ना, आई का लूप कंट्रोल वेरिएबल, वो मैं आउटर लूप के अंदर यूज कर रहा हूँ, और जो के का वेरिएबल है वो आप इनर लूप में यूज कर रहे हैं। आप इससे बेहतर वेरिएबल बना सकते हैं, आप आउटर लूप के लिए पूरा एक वेरिएबल बना सकते हैं जिस वेरिएबल का नाम ही आउटर हो, और इनर के लिए आप एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसका नाम ही इनर हो, कोई मसला नहीं है, वेरिएबल शुड बी मीनिंगफुल। ये जो आउटर लूप मैंने हाईलाइट किया है ना, ये इसमें जो आई है स्टूडेंट्स, ये चलेगा जीरो से लेकर पांच बार। मतलब आउटर लूप की अगर मैं सिर्फ बात करूं, आउटर लूप पहली बार चलेगा आई में जीरो होगा, आउटर लूप दूसरी बार चलेगा आई में वन होगा, फिर आई में टू थ्री फोर फाइव, मैंने इधर इक्वल भी लिखा, मैंने पांच को इंक्लूसिव रखा, तो जीरो से लेकर पांच बार आउटर लूप चला छह बार। अब जब आउटर लूप चलेगा पहली बार तो इनर लूप की क्या हालत होगी, इनर लूप स्टार्ट होगा के शुड बी लेस और इक्वल टू आई। अब आई में जब जीरो होगा और के भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक बार लूप चलेगा और के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, के की वैल्यू होगी जीरो, फिर इंक्रीमेंट के बाद वो कोशिश करेगा के वन हो जाएगा, लेकिन आई में जीरो पड़ा होगा, के में वन पड़ा हुआ है, आई में जीरो पड़ा हुआ है, ये इनर लूप दूसरी बार नहीं चलेगा, इनर लूप चलेगा सिर्फ एक बार और जीरो प्रिंट हो जाएगा, और फिर इनर लूप खत्म हो जाएगा और आप एक न्यू लाइन पर आ जाओगे, और न्यू लाइन पर आने के बाद आउटर लूप चलेगा दूसरी बार। जब आउटर लूप चलेगा दूसरी बार तो आई में जीरो था, अब आई में आ जाएगा वन, और फिर आएंगे इनर लूप के अंदर, इनर लूप फिर जीरो से चलेगा और जीरो से चलेगा वन तक, एक एक करके जीरो से वन तक। किस तरह से चल सकता है, जीरो और वन, और एक पहले जीरो प्रिंट हो जाएगा और फिर वन प्रिंट हो जाएगा, इसको देख लें जी स्टूडेंट्स, इस तरह से है, इस तरह से है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बन गया है। मैं जरा थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ ताकि आपको मजीद समझ में आए। जीरो टू जीरो चल रहा है, जीरो टू वन चल रहा है, जीरो टू टू चल रहा है, जीरो टू थ्री चल रहा है, जीरो टू फोर, जीरो टू फाइव, यानी कि इनर लूप कितनी बार चलेगा ये डिसाइड करेगा आउटर लूप। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज और भी आपको बता दूं, आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं, अच्छा आई में पांच पड़ा हुआ है और आई शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, और हर स्टेप के बाद आई में माइनस माइनस, एक माइनस करना है, ये चलेगा जीरो टू फाइव छह बार चलेगा, अगली बार चलेगा जीरो टू फोर, फिर चलेगा जीरो टू थ्री, फिर चलेगा जीरो टू टू, फिर चलेगा जीरो टू वन, उसके बाद चलेगा जीरो टू जीरो, इस तरह से ही चलेगा, इसको चलाते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह भी कर सकते हो तो आपका जैसा दिल करे आप कर लो। ये प्रोग्राम चला, ये मेन का फंक्शन चला, तो वेरिएबल्स जो थे वो डिक्लेयर हुए, उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन चला, फिर फोर का लूप लगा। अब ये फोर का लूप मैं चला रहा हूँ जीरो से लेकर नाइन तक, और इस लूप कंट्रोल वेरिएबल का नाम है आई। अगर आप गौर करें तो इस फोर के आउटर लूप में एक इनर लूप काम कर रहा है और उसका लूप कंट्रोल वेरिएबल है के। तो एक आउटर का आउटर लूप था फोर का जिसका लूप कंट्रोल वेरिएबल आई था, ये जो इनर है इसका लूप कंट्रोल वेरिएबल है के। थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो आउटर लूप चलेगा जीरो से लेकर नाइन तक, इनर लूप चलेगा जीरो से लेकर आई तक, वट एवर आई इज, आई जीरो होगा तो जीरो टू जीरो एक बार चलेगा यह लूप, आई में जब वन आएगा तो ये जो इनर लूप है ये जीरो से लेकर वन तक ये दो बार चलेगा, आई में टू आएगा तो ये तीन बार चलेगा, आई में जब नाइन आएगा तो जीरो से लेकर नाइन तक ये टेन टाइम्स चलेगा। तो इनर लूप ने चलना जीरो टू आई, आई में पांच होगा तो ये पांच बार चलेगा, जीरो वन छह बार चलेगा, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, आई में फोर होगा तो फाइव टाइम्स चलेगा, जीरो वन टू थ्री फोर, इस तरह से ये काम करेगा। और इनर लूप के अंदर के की वैल्यू प्रिंट होगी, के की वैल्यू एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगी। तो इनर लूप जब खत्म हो जाएगा तो आउटर लूप को खत्म करने से पहले आप न्यू लाइन पर जाएंगे, फिर आउटर लूप दोबारा चलेगा, या खत्म हो जाएगा या दोबारा चलेगा, दोबारा चलेगा तो इनर लूप भी उतने ही टाइम चलेगा जितना आउटर लूप उसको कह रहा है। लास्ट में ये जो गेट कैरेक्टर लिखा हुआ है, ये इस वजह से लिखा हुआ है ताकि आउटपुट की स्क्रीन रुके, अदरवाइज मुझे फिर विंडोज में जाकर आउटपुट की स्क्रीन को लहदा से ओपन करना पड़ता है। ये आउटपुट की स्क्रीन को आपको बकायदा ये नजर आ रहा होगा, ओपन करना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट्स मैं इसको रन करता हूँ। मैं इसको सेवन कर देता हूँ यहाँ पर। जो इनर लूप में चलना है ना, वो सारी फंक्शनिंग को आउटर लूप कंट्रोल कर रहा है। इनर लूप नाइन टाइम्स चल जाएगा अगर आउटर लूप की वैल्यू नाइन होती, इनर लूप सेवन टाइम्स चलेगा अगर आउटर लूप सेवन तक चल रहा है। अच्छा चलिए अब इसको रिवर्स करके देखते हैं। तुम देख रहे हो पहले जरा नीचे बेस थी और वो ट्राइंगल जो थी वो उल्टी कर दिया मैंने, बेस पहले नीचे थी, बेस अब ऊपर चली गई ट्रायंगल की, डिक्रीमेंट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ आई में नाइन हो और आई में जो भी वैल्यू हो ना वो जीरो से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, और हर स्टेप बाद हर आइट्रेशन बाद आई में डिक्रीमेंट कर दो। मतलब आई में नाइन है तो फिर अगले अगले आइट्रेशन के अंदर आई में एट आ जाएगा, अगर आई में एट है तो इन द नेक्स्ट आइट्रेशन एक डिक्रीमेंट होकर आई में सेवन आ जाएगा,
और अगली आइट्रेशन में 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 4, 3, 2, 1, 0। अच्छा, 0 पर भी कंडीशन ट्रू है। तुम देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ मैंने ग्रेटर नहीं लिखा, मैंने लिखा ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये लूप है और इसका लूप कंट्रोल वेरिएबल 9 से डिक्रीमेंट होकर 0 तक आएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये लूप 10 बार चलेगा लेकिन उल्टा चलेगा। मैंने इधर सिंपली ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इनर लूप पहले 10 बार चलेगा, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से चलेगा। तो इस ट्रायंगल को उल्टा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो मैंने पहले काम किया था वो कर सकते हो। जो इनर लूप होता है वो आउटर लूप पर डिपेंड कर रहा होता है। आउटर लूप इनर लूप को बता रहा होता है कि तुमने कितने बार चलना है, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो इनर लूप कमांड ले रहा होता है आउटर लूप से, आउटर लूप की वैल्यू उसको डिसाइड कर रही होती है कि इनर लूप कितनी बार चले। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप वाइल में वाइल यूज कर सकते हैं, फोर लूप के अंदर आप वाइल भी यूज कर सकते हैं, वाइल के अंदर आप टू वाइल भी यूज कर सकते हैं, फोर में आप फोर यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और आप नेस्टिंग किसी तरह से भी कर सकते हैं, एक लूप पे लूप लगा सकते हैं, उस लूप पे एक और लूप लगा सकते हैं, उस अंदर वाले लूप पे एक और लूप भी लगा सकते हैं। हाँ, इससे कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ये आप काम कर सकते हैं कि आप फोर लूप एक आउटर के तौर पर ले लें और उसके इनर के अंदर आप वाइल लूप यूज कर लें। तो ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। आज हम ये देख लेते हैं कि फोर लूप चलाएगा आउटर के वेरिएबल को 7 से लेकर 1 तक चलाएगा इसको, और इनर का जो वाइल लूप है वो 1 to 7 चलेगा, फिर 1 to 6 चलेगा, फिर अगली बार 1 to 5 चलेगा, फिर 1 to 4 चलेगा, फिर 1 to 3 चलेगा, फिर 1 to 2 चलेगा, फिर 1 to 5 चलेगा। मतलब जब ये लूप 1 to 7 चलेगा, 7 बार चलेगा, तो 7 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। जब ये लूप 1 to 6 चलेगा, 6 बार चलेगा, तो 6 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो आप देख लें आउटपुट में ऐसा ही है ना, पहले 7 स्टार्स गए, फिर 6 स्टार्स गए, फिर 5, 4, 3, 2, 1 तक आ गए।